दोस्तों ये है नोएडा शहर, जो भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित होने के साथ साथ यहाँ के सबसे बड़े शहरों में से एक भी है। नोएडा शहर उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ से 510 किलोमीटर और भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली से 27 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। दोस्तों ये शहर भारत के साथ साथ दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है, जिसे इंडिया की स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भी सिलेक्ट किया गया है। और साथ ही में दोस्तों दिल्ली से सटे होने के कारण ये शहर दिल्ली NCR का हिस्सा भी माना जाता है। नोएडा शहर की टोटल पॉपुलेशन लगभग 870,000 के आसपास है, जिस वजह से ये शहर उत्तर प्रदेश का 13वां और भारत का 70वां सबसे घनी आबादी वाला शहर भी है। दोस्तों इस शहर का नाम नोएडा तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता है इसकी फुल फॉर्म भी है, जो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। हो गए ना सब। और साथ ही में गाइस, नोएडा शहर गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। अगर सेक्स रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पर प्रत्येक 100 लड़कों पर केवल 82 लड़कियां हैं। दोस्तों किसी अन्य शहर के मुकाबले यहाँ पर लड़कियों की संख्या लड़कों से काफी कम है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग भी अपने शहर से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ABP न्यूज के द्वारा नोएडा शहर को उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की बेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है। और साथ ही में गाइस, ये शहर भारत की ग्रीनेस्ट सिटीज में से एक भी है। इस शहर के ज्यादातर लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन में 86% लोग हिंदू, 8% लोग मुस्लिम, 1% लोग सिख और 5% लोग अन्य धर्म को मानते हैं। इसके अलावा नोएडा शहर में फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होने की वजह से इस शहर को यूपी का एजुकेशन हब कहा जाता है। अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो यहाँ का लिटरेसी रेट 86% है, यानी कि यहाँ के 86% लोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं। दोस्तों नोएडा शहर की गाड़ियों पर आपको UP 16 नाम की नंबर प्लेट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ का व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर UP 16 है। अगर एरिया की बात की जाए तो नोएडा शहर 203 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है, जिस वजह से ये शहर उत्तर प्रदेश का 10वां सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों इस शहर की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा हिंदी और इंग्लिश भाषा को दिया गया है, लेकिन यहाँ के ज्यादातर सभी लोग आम बोलचाल में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। और साथ ही में दोस्तों नोएडा शहर को भारत की 4th क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा भी दिया गया है। अगर टूरिज्म की बात की जाए तो यहाँ पर घूमने की मुख्य जगहों में वर्ल्ड्स ऑफ वंडर, किड्जेनिया दिल्ली NCR, DLF मॉल, स्कॉन टेम्पल, स्नो वर्ल्ड, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, ओखला वर्ल्ड सेंचुरी आदि जगह शामिल हैं। वर्ल्ड्स ऑफ वंडर, दोस्तों वर्ल्ड्स ऑफ वंडर जिसे बाओ के नाम से जाना जाता है, ये एक अम्यूजमेंट और वॉटर पार्क है, जो नोएडा के सेक्टर 38A में स्थित है। इस वॉटर पार्क को विजिट करने के लिए एडल्ट की टिकट 1399 रुपए, चिल्ड्रन की 999 और सीनियर सिटीजन की टिकट 699 रुपए है। इसके अलावा अगर नोएडा शहर में कनेक्टिविटी की बात की जाए तो ये शहर रेलवे, रोडवेज और एयरवेज के साथ साथ मेट्रो से भी वेल कनेक्टेड है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।